अस्सलाम वालेकुम वीवर, ज़ैबुन निसा ज़ेबी आपके सामने मौजूद हूँ। और मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि बेसिकली आई एम पोइटस एंड राइटर एंड आई वाज गवर्नमेंट ऑफिसर इन प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस ऑनलाइन। ये चैनल है ओशियन न्यूज़ का, जिस पर मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ। और ये क्लासेस, इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस जो है वो मैं क्यों ज़रूरी समझती हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ थोड़े बहुत असूल और रूल रेगुलेशन या इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना जो है वो उसको आसान तरीन बनाकर आपके लिए पेश करूँ, क्यों मैंने ये सोचा, जबकि मेरा ताल्लुक तो उर्दू अदब से है। तो इसलिए कि हमारे यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो एजुकेशन का निज़ाम है हमारे यहाँ, तालीम का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, उसमें हमारे यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब वो प्रैक्टिकली लाइफ में आते हैं तो वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, आला तरीन डिग्रियाँ रखने के बावजूद इंग्लिश नहीं बोल पाते। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट में इंग्लिश नहीं है, और इंग्लिश का और हमारा एजुकेशन का सिस्टम जो है वो भी बहुत ज़्यादा तज़ादात का शिकार है। उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम इस तरह से कर दिया गया है, तबकात बना दिए गए हैं सिस्टम में। और इंग्लिश जो है सीखने के लिए अगर इंस्टीट्यूट्स वगैरह ज्वाइन किए जाएं तो वो इतने ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं पेरेंट्स के लिए, और फिर उससे इंसान इतनी जल्दी सीख भी नहीं पाता। जो चीज़ आप अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, अगर आप बचपन में अपने एनवायरनमेंट में जो भी लैंग्वेज सुन रहे हैं वो आप आसानी के साथ बोल रहे हैं, उसके बाद भी बड़े होकर भी अगर आपको एनवायरनमेंट मिल जाता है तो आप बोलना शुरू कर देते हैं। उसमें फिर आपको इतने रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ी सी तवज्जो के साथ आप रूल रेगुलेशन सीख लेते हैं और फिर वो आप कोई भी चीज़ आराम से बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा मकसद यहाँ यही था, ये एक फलाही मकसद है, और इसका मकसद इसकी सिर्फ जो मेरे पेश नज़र जो बात है वो यही है कि हमारे वो तालिबे इल्म जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाकर भारी भारी फीसें अदा करके लैंग्वेज नहीं सीख सकते, उनको किसी न किसी तौर पर मैं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें सिखा दूं जो मैंने खुद भी जो है वो सीखी हैं, और सीखने के बाद मैं चाहती हूँ कि उन्हें आगे भी लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस या इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, दीज आर द फ्लुएंसी बेस्ड, जो मेरा कोर्स है जो मैं करवाऊंगी आपसे, जो ये आपको सिखाऊंगी, ये है दीज आर द फ्लुएंसी बेस्ड एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एंड एडवांस कोर्स। यानी सिर्फ बेसिक लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये इसमें एलिमेंट्री भी है, बेसिक भी है, इंटरमीडिएट भी है, हाई लेवल्स भी हैं, और एडवांस कोर्सेज भी इसमें शामिल है। इसमें स्ट्रक्चर्स भी आ जाएंगे, ईडियम्स भी आ जाएंगे, और इसमें दीगर चीज़ें भी आ जाएंगी लैंग्वेज की, जो कि हाई क्लासेस में या एडवांस लेवल पर जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया ये कोर्स के दीज आर फ्लुएंसी बेस्ड एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एंड एडवांस कोर्स एम्ड टू एनहांस राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल एज वेल एज कॉन्फिडेंस। These courses are designed to explore the talent of students. They are comprehensive and cover all the essential and advanced grammar. It helps students in appearing all sort of tests and to improve their English language skill. टू एक्सेल इन दियर प्रैक्टिकल लाइफ। मकसद अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या मकसद है, डिटेल में बताती हूँ। स्टूडेंट कैन लर्न हाउ टू एक्सप्रेस दियर व्यूज ओपिनियन एंड टॉपिक्स ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आई ट्राई टू इम्प्रूव द इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू डायरेक्ट मैथड। ये इंग्लिश लैंग्वेज का मसला ये है कि हमारे अंदर एक तो हमें कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए, बगैर कॉन्फिडेंस के आप नहीं बोल पाते, आपको एक खौफ होता है, डर होता है कि शायद आप गलत इंग्लिश बोलेंगे, और गलत बोलेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो आपको पहले कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, और इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है कि कुछ बुनियादी असूल जवाबी जो हैं, जो रूल रेगुलेशंस हैं, अगर उनके बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने में आसानी हो जाती है। दूसरे आपने
ये डिसाइड खुद करना होता है कि क्या वाकई आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, क्या आपकी ख्वाहिश है, योर डिजायर, या सिर्फ हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग हैं माशाल्लाह से आला तालीम याफ्ता हैं, बड़े बड़े हमारे पास डिग्रियां हैं, लेकिन उसके बावजूद फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश सिर्फ इसलिए नहीं बोल पाते कि हमारे पास एनवायरमेंट नहीं है। और वोकैबुलरी भी माशाल्लाह से हम में से हर शख्स के पास 2000-3000 आम आदमी के पास 2000-3000 अल्फाज की वोकैबुलरी होती है, क्योंकि हमारी उर्दू या हिंदी में तकरीबन 2000-3000 के करीब अल्फाज जो हैं वो इंग्लिश के शामिल हैं और हम उनको उसी तरह से बरतते हैं। तो फिर बात क्या रह गई, बात रह गई कि इंग्लिश बोलना मुश्किल क्यों है, फिर किस क्यों नहीं हम इंग्लिश बोल सकते जबकि वोकैबुलरी भी हमारे पास है। तो वजह यही है कि हमारे पास एक तो कॉन्फिडेंस नहीं है, और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आपको पता चल जाती हैं, बुनियादी बातें पता चल जाती हैं, वो आप उनके बाद जब आप बात करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आप गलत बात नहीं कर रहे या आपसे गलती नहीं हो रही। अच्छा, अगर होती भी है लेकिन इब्तिदा में जब आप लर्निंग के स्टेज पर होते हैं तो आपने एक तो खुद से अपने आप से वादा करना है कि आई हैव टू स्पीक, आई विल स्पीक, आई कैन स्पीक। आपने बार बार अपने आप को, अपने जहन को इस बात के लिए राजी करना है, 100 बार 200 बार ये जुमला अपने आप से दोहराना है और कहना है कि आई कैन स्पीक, आई विल स्पीक, आई हैव टू स्पीक, मैं बोल सकता हूं, मैं बोलूंगा, मुझे बोलना है। तो जब आपने इंग्लिश को बोलना है, जब आप अपने आप को रियलाइज करवा लेंगे तो आपने बोलना शुरू करना है। और आपने बोलना कैसे शुरू करना है, जो भी कुछ आपको आता है, वट एवर यू नो, आपने वो बातों में अपनी गुफ्तगू में स्टार्ट कर देना है आज से ही। अगर आपने डिसाइड कर लिया मुझे बोलनी है इंग्लिश, तो फिर आपने आज से ही, अभी से ही इंग्लिश बोलनी शुरू करनी है, अपने घर में, अपने अतराफ, आपके जो भी लोग हैं, अपने बच्चों से इंग्लिश में बातचीत कीजिए। गोद का बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, माँ बाप हैं आपके, आपके बहन भाई हैं आपके, जो भी है आपका घर में आप जी। तो नेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं भी फिर डेटा पे थोड़ी देर में गई हूँ। तो बहरहाल ये आपने जब डिसाइड कर लेना है, कुव्वत इरादे इंसान की विल पावर बहुत बड़ी चीज होती है, तो आप आराम से इत्मीनान के साथ कुछ दिनों में इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने छोटे छोटे ही जुमले बोलने हैं, बच्चों के साथ ही बोलने हैं, कम हियर, गो देयर, प्लीज गिव मी वाटर, और कुछ भी आप जो भी जुमला कहना चाह रहे हैं आप उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। अच्छा, आज का मेरा टॉपिक है, मुझे सबसे पहले वैसे जाना चाहिए था सब्जेक्ट और इन सब चीज़ों की तरफ, बहरहाल वो टॉपिक भी हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे ज़रूर लाजमी, और हम सारे टॉपिक्स पे जाएंगे, मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिनको इंट्रोड्यूस आपसे कराएंगे। डेली लैंग्वेजेस में जो हमारे डेली जुमले इस्तेमाल, हमारे हम फिक्रे इस्तेमाल करते हैं, वो फिक्रे आपके साथ में बात करूंगी उन पर, आपके साथ वोकैबुलरी हमारी रोज़मर्रा की है वो मैं आपको दूंगी, आपको इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ें जो हमारी इंग्लिश में हेल्पफुल हो सकती हैं उन सब पर मैं बात करूंगी, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं आज, चूंकि हमारा हमने टॉपिक ही टेंस स्टार्ट कर लिया है, तो टेंस ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बात याद रखिए। जिस तरह से मैं आपको टेंस बताऊंगी, आपको एक तो टेंस आपको याद करना कोई मुश्किल नहीं है, ना याद करने की ज़रूरत है, ना रट्टा लगाने की ज़रूरत है आपको, आपके लिए बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगी। अभी तो सिर्फ मैं आपको एग्जांपल्स वगैरह डेफिनेशंस और ये बता रही हूँ, फिर मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करूंगी कि टेंस क्या है और टेंस के बारे में आपसे मैंने बात करनी है थी। और लेकिन नहीं, जिस तरह से मैं आपको रूल रेगुलेशन इसके समझाऊंगी उससे आपको कतई कोई मुश्किल नहीं होगी टेंस सीखने में और इंग्लिश बोलने में, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। अच्छा, असल में सबसे बड़ी पहली बात तो ये कि हम टेंस किसको कहते हैं, असल बात तो पहले यही बात आ जाती है हमारी कि टेंस है क्या चीज, मतलब हम टेंस बड़ी वाकई हमें टेंस में ही रखता है ये, टेंस जो है हमारे ये हमें टेंस में रखते हैं, तो ये है क्या, क्यों इतने मुश्किल प्रॉब्लम्स हमें हमारे लिए करते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको इनके बारे में अगर आप जान लेते हैं थोड़ी सी, इनकी बहुत ही आसान सी इनकी डेफिनेशन हैं, अगर इनके सिर्फ एक या दो टेंस के बारे में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, यानी थोड़ा वो डिटेल में है, और वही हमारी जिंदगी में 30-40% वही टेंस बोले जाते हैं नॉर्मली, बाकी टेंस हम इतना ज्यादा इस्तेमाल कम करते हैं, इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते, होते हैं लेकिन नहीं होते। टेंस मीन शोज टाइम व्हेन एक्शन इज डन, टेंस जो है उस टाइम को शो करता है जब आपका कोई एक्शन अंजाम आप देते हैं, उसको शो करता है। टेंस टॉक अबाउट सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइम,
टेंस जो है हमारा मुख्तलिफ जो हमारे जो एक्शन हुए हैं वो मुख्तलिफ टाइम में जो एक्शन हुए हैं उनके बारे में वजाहत करता है, यानी हमने कौन सा एक्शन यानी हमने कौन सा काम किस वक्त किया है। देखिए अगर हम ये कह दें उर्दू को अगर आवाज ले लें और उर्दू में अगर आप टेंस गलत बोलना शुरू कर दें तो कितनी बड़ी मिस्टेक। अगर मैं कह दूं कि मैं कहती हूं कि अली आए हैं तो मैं इसका मतलब है कि अली इस वक्त आए हैं, ठीक है ना, लेकिन अली आए थे, गो के अली आए थे यानी कल आए थे अली, लेकिन मैंने कह दिया अली आए हैं तो क्या कितना डिफरेंस हो गया। मैं कहूंगी अली आएंगे, अली आ चुके लेकिन मैंने कह दिया अली आएंगे। तो ये वही वाली बात है कि हम अगर अपने एक्शन को जो हमारा एक्शन है वो उसके बारे में अगर हम प्रॉपर टाइम ना बताएं कि क्या टाइम क्या है तो वो हमारा जुमला जो है उसका सेंस ही तब्दील हो जाएगा, ठीक है। इसलिए टेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश। टेंस जरूरी हैं लेकिन उनको वो इतने मुश्किल नहीं है, उनकी डेफिनेशन अगर आपको पता चल जाएंगी तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, और इसके जो रूल रेगुलेशंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी इसकी डेफिनेशंस में आपके पास आऊंगी तो वो अगर आप सीख लेते हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि आपका 20-30% 40% इंग्लिश आप इत्मीनान से आप इस टेंस में ही बात करेंगे, बात करने में आपको आसानी होगी, करने में आसानी हो जाएगी। तो टेंस क्या चीज है मैंने आपको बताया कि टेंस क्या है, कि टेंस मीन्स शोज टाइम, टाइम को बताता है व्हेन एन एक्शन इज डन। टेंस मीन शोज टाइम, क्या मतलब है, टाइम का शो करना है। व्हेन एन एक्शन इज डन, एक्शन कब हुआ है वो उसको बताएगा। टेंस टॉक्स अबाउट सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइम, किन किन औकात में टाइम, किस किस टाइम के दौरान वो हमने एक्शन किया है। टेंस शोज द टेंस ऑफ एन एक्शन, यू भी कह सकते हैं किसी एक्शन को जो है वो टेंस जो है वो हमारे जाहिर करते हैं। और टेंस हैं कितनी, अच्छा एक और बता देती हूँ, हम जो भी बात करते हैं वो किसी ना किसी जमाने से मुताल्लिक होती है। जमाने को हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं। टेंस क्या है, जमाना यानी वक्त, यानी किस वक्त वो काम हमने अंजाम दिया है। अब जमाने कितने होते हैं बुनियादी तौर पर, तो मैं मौजूदा जमाना प्रेजेंट टेंस, और गुजरा हुआ जमाना पास्ट टेंस, और आने वाला जमाना फ्यूचर टेंस कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मैं फिर आपको इसको इंग्लिश में बता देती हूँ कि हम जो है वो तीन हमारे, अच्छा ये टेंसेस जो हैं मैंने बताया कि तीन तरह के जमाने हमारे होते हैं, जिसमें हमने मौजूदा जमाना प्रेजेंट टेंस, जो गुजर गया जमाना हमारा उसको हम पास्ट टेंस, और जो हमारा आने वाला जमाना होता है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। यानी तीन जमाने होते हैं या तीन जमाने हैं जिनमें हमारा कोई ना कोई एक्शन हमने अंजाम दिया होता है। अच्छा जो लफ्ज़ टेंस और जमाने के बारे में बताता है ना, वो लफ्ज़ क्या है, यानी वो कौन सी चीज है जो हमें जमाने के बारे में बताती है, वो लफ्ज़ है वर्ब। यानी हमारा सेंटेंस के अंदर वर्ब हमें ये बताता है कि ये काम किस वक्त हुआ है और किस जमाने में ये काम हमने अंजाम दिया है, और वर्ब के बगैर जुमला नहीं मुकम्मल होता, ना वर्ब के बगैर जमाने का तायुन किया जा सकता है कि ये एक्शन कब अमल में आया। इसलिए जो है वर्ब जो है वो इम्पोर्टेंट है। वर्ब के बारे में बाद में बात करूंगी, और वर्ब आपको वर्ब भी मुख्तलिफ औकात में वर्ब भी मैं आपको सिखाऊंगी, उनकी वोकैबुलरी भी आपको दूंगी। तो वर्ब की वैसे तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टेंस को जमाने में, किस जमाने में कौन सा काम हुआ है उसको समझने के लिए, ठीक है। अच्छा अब मैंने आपको बताया कि तीन जमाने होते हैं, ठीक है, वो बहुत अलग हो गई, अभी मैं उसी को आपको समझाती हूँ। देयर आर 12 टेंसेस बट नाउअडेज वी नॉर्मली डोंट यूज फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। हमने वैसे आपने जो नॉर्मली सुना हुआ है वो ये क्या सुना हुआ है कि 12 टेंसेज होते हैं, ठीक है, 12 टेंसेज होते हैं। 12 टेंसेज कैसे होते हैं, हम सब सिर्फ रट्टा लगाते हैं 12 टेंसेज का। अब रट्टा लगाने की आपको कतई कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि ये 12 टेंसेज होते हैं, और लेकिन हमारा जो इसमें 12वां टेंस जो है वो हम बहुत कम हमारी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होता है। जो 12वां टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ये टेंस जो है ये बहुत कम हम अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अच्छा अब 12 जो टेंस हमारे हैं
वो आपको किस तरह से समझ में आएंगे मैं भी आपको बताती हूँ। क्योंकि मैंने आपको टाइम टेंस का जो मैंने आपको दौरानिया बताया यानी टेंस का जो जमाना बताया है वो कौन कौन से जमाना बताए हैं, तीन जमाने बताए हैं, मौजूदा जमाना। अब आप मौजूदा जमाना यानी मौजूदा जमाना प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस और प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। याद रखिएगा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस अगर लिखा हुआ आ जाए पेपर में या किसी भी जगह या प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखा हुआ आ जाए तो समझ लीजिएगा ये दोनों एक ही टेंस है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस भी एक ही है और प्रेजेंट सिंपल भी एक ही है, दोनों का नाम जो है वो अलग अलग हो गया है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इनडेफिनेट एक ही टेंस को कहा जाता है। तो ये मैंने आपको बताया। अच्छा, अब हमने बताया, मैंने आपको बताया कि अब हम चूंकि आज बात कर रहे हैं सिर्फ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की, ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इनडेफिनेट और प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी मौजूदा जमाने की तीन जमाने हैं सिर्फ, आपने तीनों जमाने याद रखने हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है। अब प्रेजेंट की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में हमारे पास चार टेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट की गुफ्तगु करने के लिए हमने चार टेंस इस्तेमाल करते हैं, बल्कि चार भी नहीं है, अभी मैं मजीद बताऊंगी क्योंकि और टेंस भी प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है, वो कैसे होता है वो भी बाद में बताऊंगी मैं, लेकिन हमने नॉर्मली यही सीखा है कि चार टेंस इस्तेमाल होते हैं। तो चार टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस जो अब हम कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला तो प्रेजेंट इनडेफिनेट यानी प्रेजेंट में कौन से टेंस में चार कौन कौन से टाइम दौरानिया इस्तेमाल आ रहे हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस और को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जैसे प्रेजेंट इनडेफिनेट को प्रेजेंट सिंपल कहते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है, ओब्लिक लगा हुआ होगा, ठीक है। और आपने एग्जाम में प्रेजेंट सिंपल टेंस पूछे या प्रेजेंट इनडेफिनेट, तो इसका मतलब है कि इनडेफिनेट और सिंपल एक ही चीज है, तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस पहला। नंबर दो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसलिए कोई अगर आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पूछ ले कि व्हाट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस एंड हाउ वी कैन यूज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तो यू विल नॉट बिकम कंफ्यूज्ड, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आप समझ जाएं कि वो आपसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पूछ रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस कहे या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहे एक ही बात है। तो ये दो टेंस हो गए यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चार टेंस आपके प्रेजेंट ड्यूरेशन में आ गए, प्रेजेंट ड्यूरेशन में चार टेंस आपके आ गए। बस आपने ये चार टेंस याद रखने के आपके पास कौन कौन से टेंस होते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब ये चार जब टेंस आपको प्रेजेंट के याद हो गए ना, इन्हीं चार को आप पास्ट के साथ लगा दीजिएगा, यानी प्रेजेंट हटा दें पास्ट लगा दें शुरू में, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर आप यही जो तीसरा जमाना आया ये फ्यूचर आया, तो आपने फिर वही प्रेजेंट को हटा देना है, पास्ट को हटा देना है, अब सिर्फ आपने फ्यूचर लगा देना और वही चारों टेंस आगे बोल देने, यानी फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपने देखा कि सिर्फ आपने प्रेजेंट के चार टेंस के नाम आपको याद होने चाहिए, वो चार टेंस के नाम अगर आपको याद हैं तो आपका पास्ट लगा दें चारों में, उसी में आप फ्यूचर लगा दें तो वो पास्ट फ्यूचर चार पास्ट के हो जाएंगे, चार फ्यूचर के हो जाएंगे, चार प्रेजेंट के हो जाएंगे, 12 टेंस हो गए। देखा आपने 12 टेंस हो गए। तो 12 टेंस मुश्किल नहीं थे, आपने वैसे सोचा कि 12 टेंस ओह 12 टेंस कैसे याद करूं, तो आपने सिर्फ चार टेंस याद करने, प्रेजेंट इनडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब आपने इसके साथ प्रेजेंट हटा के पास्ट लगा देना है, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब पास्ट हटा के अब आपने फ्यूचर लगा देना है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, 12 टेंस हो गए आपके पूरे, ठीक है। देखा आपने, आपको ना रटना पड़ा ना आपको कुछ और परेशानी हुई, सिर्फ आपने प्रेजेंट सिचुएशन के मौजूदा सूरत हाल में जो चार टेंस इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ उन चार टेंस के आपके नाम याद हुए, तो वो चारों के चारों अपने टेंस के पास्ट में भी आपके इस्तेमाल कर लिए, आपने फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर लिए, सिर्फ प्रेजेंट का लफ्ज हटाया पास्ट लगा दिया, पास्ट का लफ्ज हटाया फ्यूचर लगा दिया, 12 टेंस पूरे हो गए आपके। तो ये तो आपका रूल हो गया 12 टेंस बताने का। किसी कोई अगर आपसे पूछे कि
आप 12 टेंस के नाम बताइए मुझे, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द 12 टेंसेस। ठीक है, 12 टेंस के नाम बताए। अब आप घबरा गए कि 12 टेंस के नाम कैसे बताऊं, लेकिन अगर आपको प्रेजेंट के नाम याद हैं, जी, तो अगर आपको प्रेजेंट के नाम याद है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है 12 टेंसों के टेंस के नाम बताने के लिए। यानी मैं अब आपको फिर से दोबारा से वो सारी बातें बताती हूँ, दोबारा से, एक जस्ट अ मोमेंट, मैं शायद डेटा पे चली जाऊँ, क्योंकि डेटा असल में, जी जी तो एक मिनट सर, जरा से रुकिएगा, डेटा का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो मैं चेक कर लूँ। पहले हमने टेंस की बात की कि टेंस क्या चीज होता है। टेंस मीन शोज द टाइम व्हेन एन एक्शन इज डन, जब कोई एक्शन जिस टाइम नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है। तो बहरहाल चले, मैं आगे ही बढ़ती हूँ, पीछे जाने के बजाय बाद में रिविजन दे दूंगी। देखिए, प्रेजेंट टेंस सब चुके कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से टेंस, 4 टेंस आ गए हैं, बस उन 4 टेंस को आपने याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रेजेंट को हटा दीजिएगा, पास्ट लगा दीजिएगा साथ में, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इस पास्ट को हटा दीजिए, आप फ्यूचर लगा दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, 12 टेंस पूरे हो गए। अब आप देखिएगा कितनी सहूलत के साथ 12 टेंस आपने एक सेकंड में आपने बता दिए कि 12 टेंस कौन कौन से होते हैं, वरना हम सोचते ही रहते हैं कि 12 टेंसेस कौन कौन से होते हैं। आपने सिर्फ प्रेजेंट के 4 टेंस के नाम याद रखने हैं, उसके बाद आपने प्रेजेंट हटा के पास्ट लगा देना है, पास्ट हटा के फ्यूचर लगा देना है, आपके 12 टेंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो कितना मैंने बताया आपको कि देयर आर 12 टेंसेस, बट नाउ डेज वी नॉर्मली जो है हम यूज करते हैं 11 टेंसेस। 12वां टेंस जो हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ये हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं अपनी गुफ्तगू में। ठीक है, तो अब प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और 2 टेंस। ये जो हमारा जो प्रेजेंट, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि तकरीबन हमारे, अभी मैंने वैसे आपको बताया कि 4 टेंस हैं हमारे, जो हमारे 4 टेंस अभी हमारे प्रेजेंट में शामिल है, लेकिन हमारा प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो है ये हमारा प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा 2 टेंस टॉक अबाउट प्रेजेंट और 6 टेंस इसके अलावा मजीद, यानी 4 टेंस ही, और इसके अलावा 2 टेंस हमारे पास अभी और भी ऐसे आने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि वो भी जो है वो प्रेजेंट से किस तरह से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट से किस तरह से कनेक्ट होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मैंने सिर्फ 4 टेंस आपको बताने थे, 4 टेंस मैंने आपको बता दिए, और ये मैंने बता दिया कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस जो है, अच्छा इसके बाद मैं आपको टेंस बता दिया कि जब तक हमें टेंस नहीं पता चलेगा कौन सा काम हमारा किस दौरानिए में हुआ है, हम बात नहीं कर सकते। तो दोबारा से मैं बताती हूँ कि व्हाट इज टेंस, तो एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी वर्ब की कोई भी फॉर्म, एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट मे बी यूज टू शो द टाइम ऑफ द एक्शन, जो कि आपके एक्शन के टाइम को शो करती है, और स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। अच्छा, एक बात मैंने जो आपको नहीं बताई वो मैंने बताया था, क्योंकि मैंने वर्ब के बारे में भी आपको पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, जब मैं वर्ब के बारे में पढ़ाऊंगी तो जरूर बताऊंगी कि वर्ब जो है वो एक्शन भी होता है और स्टेट भी होता है, स्टेट वर्ब भी, वो मैंने अलग से एक टॉपिक अलग रखा है आपका, स्टेट वर्ब क्या होते हैं, स्टेट वर्ब, स्टेट सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो एनी, व्हाट इज द टेंस, तो एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, any of the forms of verb that may be used to show the time of the action or state expressed by the verb is called tense. तो tense मैंने अभी आपको बहुत छोटी सी, बहुत ही आसान अल्फाज में भी मैंने tense के मीनिंग बताए थे, लेकिन मैं अभी डिटेल में बता रही हूँ। और या फिर यूं कहिए, a form of verb used to indicate the time, वर्ब जो किया जो है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके टाइम को जाहिर करता है कि किस टाइम में आपने अपना एक्शन अंजाम दिया है। ठीक है, अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम एंड समटाइम्स द
कंटिन्यूशन ऑफ कम्प्लीटेशंस या एक कंप्लीट आपने अपना एक्शन जो है वो कंटिन्यूशन आपका जो है वो कंटिन्यूशन ऑफ एन एक्शन इन रिलेशन टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी आपका जो जो आप गुफ्तगू कर रहे थे या आपने जो बात की थी जो आपने एक्शन अंजाम दिया था, सम टाइम ऐसा होता है कि वो आपका ये बताता है कि वो आपका जो है एक्शन वो उसका रिलेशन जो है आपका गुफ्तगू के किस दौरानिये से है, किस वक्त से है। और जो है ये टेंस इज अ मेथड वी यूज इन इंग्लिश टू रेफर टू टाइम, हम टाइम को रेफर करने के लिए टेंस इस्तेमाल करते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन सा एक्शन किस वक्त अंजाम दिया गया है। तो अगर आप टेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे या टेंस को आप इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रहे तो आप ये देख लीजिए कि बिल्कुल यही हो जाएगा, जैसे कि आप कहें कि सलमा ने खाना खा लिया, और जबकि सलमा तो ने तो भी खाना नहीं खाया, सलमा खाना खाएंगी, लेकिन आप कहते हैं सलमा ने खाना खा लिया, तो जुमले में फ़र्क हो गया। तो जब टाइम पीरियड आपने बदल दिया, उसके एक्शन को आपने बदल दिया, तो आपने टाइम का एक्शन उसका सही नहीं, प्रॉपर नहीं बताया, उसका वो जो एक्शन था वो किस टाइम में अंजाम दिया गया था, तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टेंसेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन टेंस ये जो ज़रूरी हैं ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, घबराइएगा हरगिज़ नहीं। मैंने देखिए 12 टेंस आपको बताएं किस तरह आपने याद करने हैं, वो अगर आप उस तरह से आप लिख लीजिए अपने पास, और लिखने के बाद आप सिर्फ पास्ट लगाइए, फ्यूचर लगाइए, 12 टेंस आपके मुकम्मल हो गए, सब उंगली पे आप बता देंगे, मैं भी उंगलियों पे आपको बता सकती हूँ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपको मैंने अभी बताया ना, अगर आप इस तरह से बताएंगे तो आप मुझे फौरन बता देंगे। तो हमारे पास जो है टेंस इज अ मेथड दैट वी यूज इन इंग्लिश टू रेफर टू टाइम और पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कौन से टाइम को बताते हैं? पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के टाइम के अंदर हमारा एक्शन हुआ है वो बताते हैं। मैनी लैंग्वेजेस यूज टेंस टू टॉक अबाउट टाइम, जो भी जबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादातर जबानें जितनी भी हमारी इस्तेमाल की जाती हैं उन सब में टेंस इस्तेमाल होते हैं, बगैर टेंस के हमारी गुफ्तगू का हमें पता नहीं चलेगा कौन सा काम किस वक्त अंजाम दिया गया है। तो जब हमारा अंग्रेजी जबान में जब हम टेंस की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर तीन टेंस की बात करते हैं, जैसे मैंने बताई दिया मौजूदा ज़माने की या ज़माना हाल की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे प्रेजेंट टेंस, अगर आपका फेल यानी काम जो है आपका मौजूदा ज़माने में किया जाता है तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, अगर आप गुजरा हुआ अगर आपका काम गुजरे हुए ज़माने में किया जाता है, पास्ट में किया जाता है, तो उसे हम पास्ट टेंस कह देते हैं, और अगर कोई काम आपका आने वाले वक्त में किया जाता है तो हम उसे फ्यूचर टेंस कह देते हैं। तो ये तीन ज़माने हमारे पास आते हैं और इन तीन ज़मानों में हम जो है अपना काम करते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो है वो तमाम जो टेंसेज हैं, जो 12 टेंस आते हैं वो किस तरह आते हैं, यानी चार टेंस सिर्फ आप याद कर लें, यानी प्रेजेंट, अगर सिर्फ प्रेजेंट को आप याद करें, मैंने प्रेजेंट का आपको बता दिया, प्रेजेंट को अगर आप याद करें तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस या सिंपल टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनेट या सिंपल तो एक ही बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इसी चार टेंसों के साथ अब आप पास्ट लगा दीजिए, पास्ट इनडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसी के साथ आप फ्यूचर लगा दीजिए, फ्यूचर इनडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये आपके 12 टेंस मुकम्मल हो गए। देखिएगा ये आपने कितनी आसानी के साथ आपने 12 टेंसेस जो थे वो आपने बता दिए कि ये 12 टेंस होते हैं। अगर कोई समवन विल आक्स यू दैट टेल मी द नेम ऑफ द 12 टेंसेस, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये 12 टेंस ये हैं, इसमें क्या मुश्किल है। अब ये है कि मुझे चूंकि आज आपको पढ़ाना है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और टाइम इतना कम है, ये चीज़ ऐसी, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आपको टाइम लगेगा, और ये टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कन्वर्सेशन के लिए। अच्छा, इसमें जो है आपने चूंकि आपको मैंने ये बात बताई दी, अब मैं आपको इसके रूल रेगुलेशंस की तरफ अगर जाऊँ तो सबसे पहले जो हम इसके अंदर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर जो फार्मूला हमारा होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होगी, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, अगर प्रेजेंट टेंस आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने हमेशा ही जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, कोई फॉर्म दूसरी इस्तेमाल में नहीं आएगी। ठीक है, तो याद रखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आगे ऑब्जेक्ट आपकी मर्जी है, वो सेंटेंस के हिसाब से ऑब्जेक्ट आपका आप बढ़ाते जाते हैं, सेंटेंस आपका लंबा होता चला जाता है, आपके पैराग्राफ बनते चले जाते हैं, जुमले बनते चले जाते हैं, तो आपको
जरूरत होती है सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी यूज प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट द हैबिचुअल एक्शन एंड रूटीन वर्क। अब आप ये सारे पॉइंट्स अपने पास नोट कर लें और आप देख लीजिएगा कि इतना आसान आपको हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल, ये सिर्फ यही टेंस थोड़ा टाइम लेगा, बाकी किसी टेंस की डेफिनेशन लंबी नहीं है। सिर्फ इसी इसकी जो मैं डेफिनेशन आपको बता रही हूँ, सिर्फ इसी की डेफिनेशन अगर आप याद करके अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे तो आप जो है वो 30-40% इंग्लिश आसानी के साथ बोलेंगे। तो अब आपको मैंने रूल भी बता दिया कि प्रेजेंट इसमें का जो रूल है हमारे पास वो फार्मूला इसका क्या है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज करनी है हमेशा। अच्छा, इसके अलावा और भी आगे वाली बात भी बताती हूँ, दोबारा बता दूंगी मैं, और फिर यहाँ भी बता देती हूँ। जब हम इसके सवाल बनाते हैं और इसका हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो सेंटेंसेस, तो हम जब सवाल बनाते हैं तो डू और डज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और डू जो आता है वो आई वी दे के साथ आता है, डज जो है वो ही और शी के साथ आता है, और सिंगुलर नाउन के साथ आता है, ठीक है। और मैं आपको अभी ये डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ मैं सिंपल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम एक प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए एक क्लास जरूरी नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमें 2-3 क्लासों में जाना पड़ेगा, ये पार्ट वन से आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये इसके बाद हम इसको मजीद आगे लेके बढ़ेंगे क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर है, आसान प्रोसीजर नहीं है। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो ऑल्सो नोन एज द सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। और द प्रेजेंट टेंस इज अ वर्ब टेंस यूज टू डिस्क्राइब अ करंट एक्टिविटी और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। याद रख लीजिए, मैं बार बार आपको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट की जो है प्रेजेंट टेंस की आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन बता रही हूँ। द प्रेजेंट टेंस इज अ वर्ब टेंस यूज टू डिस्क्राइब अ करंट एक्टिविटी और स्टेट ऑफ बीइंग। हाउएवर समवॉट अनयूजुअली द प्रेजेंट टेंस कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब पास्ट एंड फ्यूचर एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू फ्राइडे बाजार, फ्राइडे बाजार हमारे जुम्मा बाजार लगता है, जुम्मा बाजार, आई गो टू जुम्मा बाजार एवरी वीक। अब आप देखें, आप या आई गो टू जुम्मा बाजार एवरी संडे, आप अगले संडे को भी जाएंगे, पिछले संडे को भी गए थे, अगले संडे को भी जाएंगे, यानी फ्यूचर में भी जाएंगे, प्रेजेंट में भी जाते हैं और इससे आप पास्ट में भी गए हैं, लेकिन आपने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के लिए आपने प्रेजेंट टेंस यूज किया है। क्यों यूज किया है? सम टाइम हम जो है वो यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस को, जो है वो हम सम टाइम क्या करते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस यूज होता है ऑल्सो, किसके लिए? आपके फ्यूचर के लिए भी यूज होता है, यह बात याद रखिएगा। सम टाइम वी यूज प्रेजेंट इनडेफिनेट फॉर फ्यूचर, फॉर फ्यूचर, जैसे हम बार दफा कहते हैं कि अवर स्कूल क्लोज फॉर विंटर वेकेशन ऑन मंडे, ठीक है। ये कह दीजिए कि हमारा स्कूल जो है वो पीर से मौसम सरमा की तातीलात के लिए बंद हो जाएगा या बंद हो जाता है, ठीक है। या और इस तरह के हम और सेंटेंसेस कह देते हैं। तो जैसे हमने कह दिया कि आई गो टू बाजार एवरी वीक, और वी स्विम इन सी एवरी संडे, वी प्ले फुटबॉल ऑन वेनिसडे या ऑन फ्राइडे। तो देखिए, अब आप ये पास्ट में भी खेलते हैं, फ्यूचर में भी खेलते हैं, प्रेजेंट में भी खेलते हैं फुटबॉल, लेकिन आप सबके लिए आपने प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया। प्रेजेंट टेंस का रूल क्या, समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं आएगी दूसरी, चाहे आप पास्ट में खेलें, चाहे प्रेजेंट में खेलें, चाहे फ्यूचर में खेलें, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये, आपको धीरे धीरे समझ आएगा, इसकी कई डेफिनेशंस के साथ मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दूंगी, लेकिन ये बहुत लंबा टॉपिक, बार बार मैं आपसे यही बात कह रही हूं कि देखें, अब हमने क्यों यूज किया, इसलिए कि इसकी डेफिनेशन ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यू विल यूज फॉर योर रिपीट एक्शन, रिपीटेड एक्शन, वो एक्शन जो आप बार बार करते हैं, कोई भी वो काम जो आप बार बार करते हैं उसके लिए आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है, राइट। एक डेफिनेशन ये लिख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए अगर आपका कोई भी एक्शन जो भी आप रिपीट करते हैं, रिपीटेड आपका एक्शन है, बार बार होता है, तो उसके लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। इट मीन्स एनी एक्शन विच टेकन प्लेस अगेन एंड अगेन, वेदर इट इज हैपन इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और डेली, मंथली, वीकली और ईयरली। ऐसा कोई भी काम जो आप बार बार करते हैं, चाहे वो आप वीकली करें, मंथली करें, ईयरली करें,
डेली करें, उसके लिए आपको जो है वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करना है। सिर्फ आज मैं प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की डेफिनेशंस बता रही हूँ, जो एक्शन बार बार रिपीट करते हैं। अपना डेली रूटीन भी, आपका जो भी डेली रूटीन होता है, आपने डेली रूटीन आपका जो है, यानी आप जो रोजाना को जो काम करते हैं, उसके लिए भी आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करना है। यानी आपको वर्ब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दूंगी और बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल किया करना है, ठीक है। तो आपने इसकी एग्जांपल्स भी आपको मैंने बता दी हैं। जैसे आप कहते हैं कि कोई भी काम कर रहे हैं, चूंकि रिपीट आपका एक्शन है, तो आप अगर कह दें कि I get up at 5 o'clock, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने इस्तेमाल की है, यानी मैं जागता हूँ, आई गेट अप 5 o'clock, ठीक है। डेली आप लगाएं ना लगाएं तब भी पता चल गया कि आपने जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है तो आप प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज कर रहे हैं और आपका ये डेली रूटीन है, ठीक है। आई गेट अप एट 6 o'clock, फिर आप क्या करते हैं, देन गो टू वॉशरूम, ब्रश योर टीथ, वॉश योर फेस, कॉम्ब योर हेयर, और फिर उसके बाद यू ऑफर योर प्रेयर, उसके बाद आप नमाज अदा करते हैं, ठीक है। ये आपका देख लें, आपने जो भी जितने भी किए ना, आपने कहा कि आई गेट अप एट 6 o'clock, गेट अप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई आप सब्जेक्ट हो गए, यानी आपने अपना लगाया इस्तेमाल, आई लगाएं, वी लगाएं, यू लगाएं, ही लगाएं, शी लगाएं, वो मैं बाद में बता दूंगी, एस और यस लगाते, ठीक है। तो आप जो भी लफ्ज लगा रहे हैं, या शी गेट्स अप, अगर ही शी एट आ रहा है तो आपने फिर आप वर्ब के साथ एस लग जाता है, शी गेट्स अप 6 o'clock, ठीक है। गेट्स अप, गेट अप था ना, तो गेट्स अप हो गया क्योंकि शी और ही आ गया था, वरना गेट अप रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रश हर टीथ, ब्रश वर्ब है यहाँ पर, ब्रश हर टीथ, अपने दांत ब्रश करती है, ब्रश्ड ब्रश, ठीक है ना, ब्रश करना, वॉश हर फेस, अपना मुंह धोती है, वॉश कहा है मैंने, वॉश्ड नहीं कहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी हर काम में, वॉश हर फेस, ठीक है, कॉम्ब हर हेयर, ठीक है, कॉम्ब हेयर, अपने बालों की कंघी करती है, एंड ऑफर प्रे, नमाज, ऑफर प्रेयर, और उसके बाद नमाज अदा करती है, ऑफर, ऑफर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, सेकंड फॉर्म नहीं है, ठीक है, और नमाज अदा करती है। आफ्टर दैट शी टेक ब्रेकफास्ट, और शी कुक ब्रेकफास्ट, उसके बाद वो नाश्ता बनाती है, शी कुक ब्रेकफास्ट या शी मेक ब्रेकफास्ट, देखिए कुक भी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, मेक भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शी मेक ब्रेकफास्ट, शी मेक्स, एस आ रहा है ना, सब मेक्स, बेक्स आएगा, कुक्स आएगा, एस लगेगा सब में, अगर शी करते हैं तो। अगर अगर नाम भी किसी का लगा रहे हैं, या लड़के का नाम लगा रहे हैं तब भी, और लड़की का भी सिंगुलर नेम आ रहा है तब भी एस लगेगा, शी कुक्स ब्रेकफास्ट या शी मेक्स ब्रेकफास्ट या आई मेक ब्रेक, अगर आई कर रही हूँ मैं वी कर रही हूँ तो आई मेक ब्रेकफास्ट, और फिर क्या जी होता है उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद, देन सर्व ब्रेकफास्ट, ठीक है, सर्विंग, सर्व करती है ब्रेकफास्ट, ये भी फर्स्ट फॉर्म आपने लगाई, शी सर्व्स, अगर अगर शी कर रहे हैं तो शी सर्व ब्रेकफास्ट, अगर आई है आई सर्व ब्रेकफास्ट टू अदर्स, दूसरे लोगों में ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ, देन आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर गोइंग टू ऑफिस, फिर मैं प्रिपेयर अपनी तैयारी करती हूँ, I become ready, या become ready, become भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने लगाई है, ठीक है ना, I become ready कह सकते हैं, I prepare myself कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं, या I change my dress कह सकते हैं। देख लें वर्ब की सब जगह फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, देख लें मैं कितनी सारी इंग्लिश बोल रही हूँ ना, यानी सिर्फ आपने ये समझना है कि अपना डेली रूटीन है ये आपका, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डेली रूटीन आप एक्सप्लेन करते चले जाइए।
आई चेंज माई ड्रेस और आई प्रेस माई ड्रेस, प्रेस भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई प्रेस माई ड्रेस, चेंज माई ड्रेस, आई प्रेस माई ड्रेस, वेयर और चेंज क्लोथ, ठीक है। देन फिर आप क्या करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, गो टू ऑफिस, बाय बस जाएं, बाय कार जाएं, बाय रोड जाएं, बाय बाय फुट जाएं, जैसे भी जाएं, अब वो आप ऑब्जेक्ट अपना आगे लगा सकते हैं, ठीक है। गो टू ऑफिस, स्टार्ट माय वर्क, ऑफिस वर्क, सब जगह देखें स्टार्ट, स्टार्ट फिर वर्ब की, सारे वर्ब जितने वर्ब लग रहे हैं सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। स्टार्ट माय ऑफिस, स्टार्ट ऑफिस वर्क, एंड फिनिश माय ऑल वर्क एट 8 o'clock या 4 o'clock और 5 o'clock जब, और मैं अपना सारा काम जो हूँ मैं 5 बजे ख़त्म कर देती हूँ ऑफिस में, कब ख़त्म कर देती हूँ। नाउ आई लिव माई ऑफिस, लिव फिर मैंने लिव वर्क की फर्स्ट फॉर्म, इस्तेमाल सब जगह फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, आई लिव ऑफिस, ठीक है। देन अगेन रीच एट द स्टॉप, टेक बस और टैक्सी और रिक्शा, ठीक है, गेट बैक टू माई होम, और वापस मैं अपने घर आ गई। देखिएगा मैंने इतनी सारी गुफ्तगू सभी की, अभी मैं और मजीद गुफ्तगू कर सकती हूँ। मैं घर आई, फिर मैंने घर आके क्या किया, चेंज किए कपड़े, देन आई चेंज माई ड्रेस, आई टेक रेस्ट, जितना भी मैं काम कर रही हूँ दिन भर, आपने देख लिया कि मेरा ये डेली रूटीन था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज कर रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रही हूँ, सिर्फ आपने अपना नाम लगाकर, या ही या शी या इट या आई या वी या दे या कुछ भी आप लगाकर, या सिंगुलर नाउन या प्लुरल नाउन लगाकर आपने जो है वो आपने सिर्फ वर्ब की बार फर्स्ट फॉर्म लगानी है और गुफ्तगू शुरू कर देनी है, ठीक है। अगर आपका कोई भी डेली रूटीन है, डेली रूटीन के लिए आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। अगर आपका कोई रिपीट एक्शन है उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। रिपीट एक्शन मैंने जैसा कि अभी आपको बता ही दिया था कि हमारे रिपीट एक्शन में बहुत सारे सेंटेंसेस आ जाते हैं, जैसे आई टेक सैलरी एवरी मंथ, आई टेक सैलरी, हालांकि सैलरी तो आप महीने के अगले महीने, आप जो महीना आगे आएगा तो मैं लूंगी ना सैलरी, तो मैं मुझे कहना चाहिए कि आई विल टेक सैलरी ऑन 30th, ऐसे कुछ करनी चाहिए बात। लेकिन चूंकि मैं किसी को बता रही हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करूंगी, क्योंकि ये मेरा रिपीट एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है कि आई टेक सैलरी एवरी मंथ, आई टेक सैलरी एवरी मंथ, या आई टेक सैलरी ऑन 30th, जो ऑन 30th ऑफ एवरी मंथ, मैं 30 तारीख को मुझे सैलरी हर महीने मिल जाती है। आई सेलिब्रेट संडे, आई सेलिब्रेट संडे, आई सेलिब्रेट संडे विद माई फैमिली। सेलिब्रेट देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ सब्जेक्ट शुरू में लगा देना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। वोकैबुलरी आपके पास थोड़ी बहुत होनी चाहिए, जैसे अगर मैंने थोड़ी मुश्किल वोकैबुलरी एक आध लफ्ज आ गया सेलिब्रेट, यानी मैं अपनी फैमिली के साथ अपना संडे जो गुजारती हूँ, या स्पेंड कर देना आप वो ये कह दीजिए ना कि आप आसान कह दीजिए कि आई सेलिब्रेट संडे विद माय फैमिली, और अपनी फैमिली के साथ संडे, तो ये आपका रिपीट एक्शन हो गया। आई परफॉर्म नमाज जुम्मा एवरी वीक, आई परफॉर्म, देख लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बस सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई परफॉर्म नमाज जुम्मा एवरी फ्राइडे, ठीक है, एवरी फ्राइडे को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और यानी कोई भी आपका रिपीट एक्शन है तो आप उसके लिए आपने हमेशा वर्ब सब और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। मैं सिर्फ टेंस बता रही हूँ कि टेंस आपने इस्तेमाल करने, जब आपको टेंस इस्तेमाल करना आ गया, रूल रेगुलेशन पता चल गया, तो आपको कोई गलती नहीं होगी बातचीत करने में, ठीक है। इसी तरह से आपने हम मुस्लिम, ऑल मुस्लिम्स, या मुस्लिम उम्मा, या तमाम मुस्लिम, या ऑल मुस्लिम्स, या मुस्लिम उम्मा सेलिब्रेट टू फेस्टिवल्स इन अ ईयर, टू फेस्टिवल्स, टू बिग फेस्टिवल्स इन अ ईयर, दो बड़े फेस्टिवल साल में मनाते हैं। तो अब दो फेस्टिवल्स में अगर आप ईद कहना चाहते हैं तब भी आप सेलिब्रेट अपने वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, और मुस्लिम तमाम मुस्लिम उम्मा जो है ऑल मुस्लिम्स, ऑल मुस्लिम कीप फास्ट, कीप फास्ट इन रमजान, ऑल मुस्लिम कीप फास्ट इन रमजान।
तमाम मुसलमान रमजान में रोजा रखते हैं, कीप फास्ट। कीप मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपने बस इस्तेमाल करनी है। शुरू में जो आपका सब्जेक्ट आ रहा है वो आपका आई वी दे मुस्लिम, बहुत सारे मुस्लिम्स आ गए, अगर एक आया है तो ऑल मुस्लिम, अगर एक आता है कि एक मुस्लिम आएगा तो फिर आप वर्ब के साथ एस लगा देते हैं, ठीक है ना, अगर एक सिंगुलर नाउन होता है तो। और तो आपने देखा कि रिपीट एक्शन के लिए आपने, चाहे वो आपका पास्ट में था या आपका फ्यूचर में था या आपका प्रेजेंट में था, आपने रिपीट जो भी आपका एक्शन हो रहा है, जो आप बार बार रिपीट करते हैं, कोई भी ऐसा काम जो आप बार बार करते हैं उसके लिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है और उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इसी तरह आपका जो रूटीन वर्क है, जो भी आप काम रोजाना करते हैं, उसके लिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, यानी वही प्रेजेंट सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी रिपीटेड एक्शन हो गया, आपका रूटीन वर्क आपका हो गया, आपने इस्तेमाल किया क्या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करना है। अब ये दो रूल या आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, बार बार बता रही हूँ, नोट कर लीजिएगा, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आप सामने अपनी किताब खोलेंगे आपको फौरन ही समझ आ जाएगा कि यहाँ ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस मुझे यूज करना है, ठीक है। मैंने आपको पूरी प्रेजेंटेशन दी डेली रूटीन वर्क की, कि आप डेली रूटीन वर्क के लिए अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाए, ऐसे लिखना पड़ जाए, कुछ भी नहीं करना, सब्जेक्ट अपना लगाइए, आई लगाएं, वी लगाएं, दे लगाएं, ही लगाएं, शी लगाएं, इट लगाएं, जो भी लगा रहे शुरू में वो आपका सब्जेक्ट आपने लगाया, सिंगुलर नाउन लगाएं और सेकेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, सेकेंड नहीं लगानी, थर्ड नहीं लगानी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं और आप अपना एक्सप्रेस कर दें, अपना व्यू जो भी आप बात करना चाह रहे हैं आप कर दें सारा, और सारे तमाम सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती चली जाएगी, पूरे दिन का आप रूटीन आप बता देंगे मैंने ये करना है। तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर, एक आज लिखिएगा एक सेंटेंस, ऊपर लिखिएगा कि माई डेली रूटीन, ठीक है। डेली रूटीन में अब आपने जो भी जो काम सुबह से शाम तक किए सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट लगा दीजिएगा, आई आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर सारे एक्शन आप लिख दीजिए अपने दिन भर जो आपने किए, तो देखिएगा आपकी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार हो गई और ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। इसी तरह अगर आपको रिपीट एक्शन के लिए भी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस यूज करना है, दो रूल बता दिए, यानी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस कहाँ यूज हो रहा है, डेली रूटीन में और रिपीटेड एक्शन में, दोनों के मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दी। अच्छा, इसके बाद अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और कहाँ यूज होता है ये भी अब आप लिखिए। ये अब आप ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हमारा होता है प्रेजेंट फीलिंग में। अब इस वक्त जो हम महसूस कर रहे हैं ना, यानी प्रेजेंट चूंकि प्रेजेंट ही टेंस है तो प्रेजेंट फीलिंग्स जो है ना हमारी, प्रेजेंट फीलिंग्स, प्रेजेंट थिंकिंग, प्रेजेंट थॉट्स, प्रेजेंट इन इमोशंस, प्रेजेंट डिजायर्स और जो भी उसमें हमारे आ जाता है, और प्रेजेंट जो है हमारे प्रेजेंट इवेंट्स और प्रेजेंट टॉकिंग, यानी हमारी इस वक्त जो भी कुछ हमारे हमारे हमारी सोच है, हमारी थिंकिंग है, हमारी थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे डिजायर्स हैं, हमारी जितनी भी हमारे गुफ्तगू है, बातचीत अगर प्रेजेंट में हम कर रहे हैं तो उन सब के लिए हमने प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है प्रेजेंट फीलिंग के लिए, ठीक है। प्रेजेंट फीलिंग, थिंकिंग, थॉट्स, इमोशन, डिजायर, जैसे हेट आप डिजायर है आपकी, आपका इमोशंस है आपका, हेट, लव, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ये जितनी भी चीजें लाइक डिसलाइक या जितनी भी चीजें आपकी हैं उन सब के लिए आपने प्रेजेंट की जो है आपकी फीलिंग्स उन सब के लिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करना है, यानी वही आपने सब्जेक्ट लगा दें, कुछ भी जो भी आप लगाएं, किसी और के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका नाम लगा दें, उसका उसके लिए ही शी यूज कर ले, अपने लिए कह रहे हैं तो आई लगा दें, वी कर ले ज्यादा लोग हैं दे कर ले, ठीक है। और फिर आपने उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो आपका तीन रूल हो गए, यानी आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का ही इस्तेमाल करनी है, रिपीट एक्शन में योर रिपीटेड एक्शन जो बार बार आप करते हैं, वो एक्शन जो आप चाहे साल में भी करें, मंथ में भी करें, ईयरली करें, डेली करें, आपने प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस यूज करना है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिपीट एक्शन जो भी आपका है, जो काम आप बार बार करते हैं उसके लिए आप प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, आपकी प्रेजेंट फीलिंग जो है उसके लिए आपने प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस यूज करना है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। थॉट्स, इमोशन सबके लिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग के लिए, आई हेट हर, आई लव हर, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, ये आपका स्टेटमेंट सेंटेंस है। मैं आपको ये टॉपिक अलग लेकर चलूंगी, उसमें बताऊंगी कि आपके वर्ब जो होते हैं, वर्ब जो है, मैंने अभी जैसे डेफिनेशन में बता दिया है कि वर्ब आपका एक्शन को भी शो करता है और स्टेट को भी शो करता है। स्टेट का मतलब होता है हालत,
कोई किस हालत में है, और एक एक्शन क्या होता है, जो वो हरकत होती है, जो आप कोई भी काम कर रहे हैं वो आप हरकत में कर रहे हैं। एक है स्टेट, तो स्टेटमेंट सेंटेंसेस वो कहलाते हैं। तो अब आपने ये, जैसे आपने ये कहा कि आई हेट हर या शी हेट्स मी, ठीक है, और ही लाइक्स मी, और आई लाइक हर, ठीक है, आई लाइक फ्रूट, वी लाइक वेजिटेबल, और दे लाइक टू प्ले इन ग्राउंड। तो देखिएगा आपने सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, और सब्जेक्ट आप जो चाहे इस्तेमाल कर लीजिए, नाम किसी का लगा लीजिए, ठीक है। तो अब आपके जो भी अच्छा और इसी तरह आपकी जो भी प्रेजेंट में जो भी आपकी ख्वाहिश है, डिजायर है, तो उसके लिए भी आपने जो है वो यही प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आपको यूज करना है। अब आपको मैंने बता दिया प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ये रूल लिख लीजिए, ये रूल लिख लेंगे आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, फिर इन रूल के मुताबिक सेंटेंसेस आप बनाइए, देखिए कितने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब चौथी जगह कहाँ आप प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल करेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मेरा एक टॉपिक अलग से है जो मैं आपको बताऊंगी, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होती है ना, वी यूज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस टू गिव अ ऑर्डर, एडवाइस और सजेशन, कमांड, रिक्वेस्ट टू प्रोहिबिटेंट, ठीक है। ये हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो भी होगा, ये बकायदा क्वेश्चन आता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन लिखिए और बताइए, उनकी एग्जांपल्स भी दीजिए। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक प्रोग्राम करूंगी मैं भी। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए भी आपने हमेशा वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। आपको मैं ये बता रही हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख लीजिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, यानी हमारी कितनी ज्यादा इंग्लिश बोलने में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है। यानी सिर्फ सब्जेक्ट लगाना है आपने और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल देनी है और आपने बातचीत करनी शुरू कर देनी है। तो आपने देखा कि अब हम चौथा पॉइंट कौन सा था, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जितने भी आएंगे उन सब ने प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आपने यूज करना है। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को कोई धमकी देते हैं, किसी को कोई एडवाइस करते हैं, कोई मशवरा देते हैं, किसी को कोई हम जो है किसी से कोई दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को जो है किसी काम से मना करते हैं, इन सब के लिए प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस यूज होगा। लेकिन इस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में एक बात और भी, उसमें सब्जेक्ट यूज नहीं होता, ठीक है। कभी कभी हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं लेकिन नॉर्मली सब्जेक्ट यूज नहीं होता। ये मैं भी प्रेजेंट आपको ये इसकी एग्जाम्पल जिसे हम कह दें, मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको ताकि आपको परेशानी ना हो। मैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपके आता है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं सिट डाउन का मतलब क्या हुआ, सिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, सेकंड तो नहीं है, सिट डाउन, बैठ जाओ, बात पूरी हो गई मेरी, लेकिन मैंने इसमें सब्जेक्ट यूज नहीं किया। कभी कभी हम सब्जेक्ट यूज करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, नॉर्मली सब्जेक्ट यूज नहीं होता, कभी कभी करते हैं जब हम किसी अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस को इम्फेसिस करना चाहें, बहुत फोर्स करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे मैं कहूंगी यू सिट डाउन, वरना अदरवाइज आई विल से सिट डाउन प्लीज, और फिर भी वो नहीं मान रहा तो अगर इम्फेसिस करना है हमने जोर देना है अपने सेंटेंस पर, तो फिर हम कह सकते हैं यू सिट डाउन, ठीक है, आई एम टॉकिंग टू यू, प्लीज सिट डाउन। तो वरना अदरवाइज इम्पेरेटिव सेंटेंस की अगर आप सिर्फ बात कर रहे हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज नहीं होता, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ यूज करनी होती है और आपका वो सेंटेंस पूरा हो जाता है। वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, किसी और टेंस में नहीं जाते, ठीक है। तो आप कहेंगे सिट डाउन, और सिट डाउन के बाद आप और भी बेशुमार सेंटेंस, आप जितने भी लफ्ज आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, और उसमें जो है आपने सब्जेक्ट यूज नहीं करना लेकिन वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में जैसे आप उसको कह दें ब्रिंग योर बुक, ब्रिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपने सब्जेक्ट नहीं लगाया, आपने कह दिया ब्रिंग योर बुक, राइट योर नोट्स, अपने नोट्स लिखो, लिसन मी, ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंस, लिसन में प्रेजेंट, सब देखिएगा वर्ब की सब में फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, ठीक है। अब हमने यह सब्जेक्ट भी यूज नहीं कर रहे,
लेकिन ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है और उसका, लेकिन ये एक डेफिनेशन भी आ रहा है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इनमें भी हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस ही यूज करना है। यानी आपने जो है बी क्वाइट ये प्रेजेंट आपने फर्स्ट फॉर्म यूज की है, और गो एल्स एनीवेयर, बी क्वाइट गो एल्स एनीवेयर, कहीं भी चले जाओ यहां से, ठीक है। और प्ले विद मी, प्ले भी देख लीजिए मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, प्ले विद मी, और राइट अ नीट राइट इन अ नीट राइटिंग, ठीक है, नीट एंड क्लीन राइटिंग, तो राइट राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल मैंने की है। और इसी तरह से जितने भी आप जो है वो सेंटेंस यूज करेंगे, आप सारे क्लीन द रूम, ठीक है, तो क्लीन भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्लीन द रूम आपने कह दिया, मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम, मेक भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आगे सेंटेंस जो भी आपको लगाना है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको करना है वो कर लीजिए। तो आपने देखा जो रूल बता रही हूँ ना, सिर्फ ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ही है, ये पहला टेंस है जिसके लिए मैं इतने रूल आपको बता रही हूँ, और ये टेंस आपका 30-40% आपकी उर्दू कन्वर्सेशन में आपका इस्तेमाल होता है, स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है ये टेंस। तो अगर आपको ये टेंस आपको समझ में आ गया है और आपने इसके सेंटेंसेस बना लिए हैं और आपने ये बात समझ ली कि आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, तो सिर्फ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है और लिखते चले जाना है, जो भी कुछ आपने लिखना है, जो बात भी आपने कहनी है, जो बात आप सोच रहे हैं उर्दू में सोच रहे हैं या इंग्लिश में सोच रहे हैं, उसको आपने लिख देना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब कहीं किसी को हुक्म दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और तो फिर इंपेरेटिव सेंटेंस यूज कर लीजिए, सब्जेक्ट हटा दीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट ना लगाइए। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है कुछ वो मैं बाद में बताती हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, इसको छोड़ देती हूँ मैं, असल में आपको सिर्फ डेफिनेशन ही बता रही हूँ, इनकी डेफिनेशन ये तो हर वर्ब की तरफ तो हम बाद में जाएंगे, मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ ही लेकर चल रही हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम जा रहे हैं। अब तीसरा रूल कौन सा था, चार हो गए, मेरा ख्याल है चार रूल हो गए। अब हमारे पास हम आ रहे हैं, अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कहां पर हम यूज कर सकते हैं। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूज करना है परमानेंट सिचुएशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जो आपके परमानेंट है, तब्दील नहीं होगी, यानी कोई भी आपका काम ऐसा है जो आपका तब्दील नहीं होगा, वो वैसे ही चलता रहेगा या वही रहेगा, उसके लिए भी आपने हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। यानी कि आपने सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कोई और फॉर्म नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। तो जैसे परमानेंट सिचुएशन में आप कह देते हैं कि आई लिव इन कराची, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन पाकिस्तान, ठीक है, आई लिव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ही लिव्स इन इंडिया, वो इंडिया में रहता है, शी लिव्स, फिर वो एस लग जाएगा ही शी के साथ, ठीक है ना। तो आई लिव इन कराची, आई लिव इन पाकिस्तान, आई वर्क एट KMC, आई वर्क एट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आई वर्क इन एन ऑफिस, आई वर्क इन ऑफिस, या आई डू स्टडी इन फिफ्थ क्लास, आई स्टडी इन क्लास 10th, ये आपने देखा कि वर्क, आई वर्क एट KDA, तो आई वर्क इन ऑफिस, तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, वर्क नहीं लगा रहे, देख लीजिए आई सब्जेक्ट आ रहा है, जो भी लगा दें आप, सब्जेक्ट ही शी वी दे कर दें, दे वर्क कर दें, कुछ भी कर दीजिए आप। तो आपने जब जो वर्ब यूज किया है, देख लें, आई लिव वर्क का फर्स्ट फॉर्म, वर्क आपकी फर्स्ट फॉर्म, स्टडी आपकी वर्क फर्स्ट फॉर्म, तो आपने जो भी वर्ब लगानी है फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की और सब्जेक्ट लग जाएगा आपका। लेकिन कहां पर, जब परमानेंट सिचुएशन होगी, कोई भी आपकी परमानेंट सिचुएशन है, आपका रहना रिहाइश जो परमानेंट सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ऊपर परमानेंट जगह नहीं है जहां आप रहते हो, तो फिर आपका सेंटेंस थोड़ा दूसरे तरीके से चेंज जाएगा। लेकिन नॉर्मली हम अगर अपने शहर का बता रहे हैं, तो आई लिव इन कराची, आई लिव इन पाकिस्तान, ठीक है, आई लिव इन गुलशन इकबाल, ठीक। तो इस तरह से परमानेंट सिचुएशन के लिए भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। अब आपके पास कौन सी चीज रह गई है, इसके बाद अब एक जो चीज और आपकी रहती है कि आपने और कहां पर यूज करना है, आपका कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर
साइंटिफिक ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ। एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी ऐसा सच जो दुनिया के हर हिस्से में माना जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर आपसे कहती यूनिवर्सल अगर ट्रुथ है तो वहां पर भी आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हमेशा यूज होगा, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कोई रूल नहीं है प्रेजेंट डेफिनेट का, ठीक है, यही रूल है। तो अगर आपकी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे मैं कह देती हूँ सन राइजेज इन द ईस्ट, अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, हमेशा सूरज जो है वो कहां से निकलता है, मशरिक से निकलता है, चाहे अमेरिका में निकले, चाहे कनाडा में निकले, चाहे पाकिस्तान में निकले, तो सन राइजेस, चूंकि सन एक है, सिंगल है, सिंगुलर नाउन है, नाम है सिंगुलर है, तो इसलिए हमने उसके साथ राइज के साथ राइजेस कर दिया, निकलना, सूरज का निकलना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सनसेट इन द वेस्ट, और सनसेट और डूबता कहां पर है, वेस्ट में डूबता है, मशरिक से निकलता है, मगरिब में डूबता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप कहें वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वाटर फ्रीज कब हो जाता है, पानी कब फ्रीज हो जाता है, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीज जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वाटर क्या है, नाम है, आपका सब्जेक्ट है, कोई भी सिंगुलर नाम है, वाटर पानी नाम है ना किसी किसी चीज का, तो वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जम जाता है, और एंड बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड बॉयल भी देख ले, मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है, एंड बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देख ले पूरा सेंटेंस आपने बोल दिया, आप इसमें पूरे आगे सेंटेंस बढ़ाते चले जाए, और ये आपके आपको ऐसे आप लिख सकते हैं इसी तरह से। तो वाटर ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, यानी आप दुनिया में कोई आप किसी से कहें कि पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है, हमारे यहाँ भी इतने में ही जमता है, पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है बॉयल हो जाता है, बिल्कुल पूरी दुनिया में ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जहां यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए आपने वहां पर भी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस यूज करना है, यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। यहां मैंने जो फर्स्ट फॉर्म यूज की है सनराइजेस कह रही हूं, क्योंकि एस लगा रही हूं, क्योंकि सन जो है सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ एस लगता है, तो सनराइजेस राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो है वो वाटर वर्ब की इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, फ्रीज, ठीक है, फ्रीजेस किया। अच्छा, इसके बाद अगर आप कह दें अर्थ, जी फिर नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, जी इसी तरह से अब आप जो है वो अर्थ क्या करती है, अर्थ भी ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन जो है सूरज के गिर्द घूमती है। तो देखिए रिवॉल्व हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, एस इसलिए लगा दिया कि अर्थ जो है वो नाम है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो सब्जेक्ट में हमारे जो है वो भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। इसी तरह कहते हैं अगर हम वाटर कीप्स इट्स लेवल, वो पानी अपना एक लेवल रखता है, तो आप कह सकते हैं टू एंड टू मेक फोर, देख लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है, टू एंड टू मेक फोर, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो इसी तरह से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा, अब ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये स्टेटमेंट सेंटेंस हो गया, ये हमने इसमें जो है वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है हमारा, हम ये स्टेटमेंट सेंटेंसेस में हम गए हैं, वर्ब हमारा एक्शन वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि स्टेट वर्ब इस्तेमाल हुआ है इसमें हमारा, इज आ गया हमने, ये मैं बाद में आपको पूरा समझाऊंगी कि स्टेटमेंट वर्ब कौन से होते हैं, वो भी किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल आज हमने आपको एक चीज और शायद रह गई, यही स्टेटमेंट की ही बात कर रही थी मैं। अब एक और कंडीशन कौन सी है जो आपकी सिचुएशन आपकी आ जाती है यूनिवर्सल ट्रुथ में, यानी साइंटिफिक आपका कोई लॉजिकल सिचुएशन हो जाए, साइंटिफिक सिचुएशन हो जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाए, उसमें भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करना है, याद रख लीजिए, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं कुछ, स्टेटमेंट सेंटेंसेस क्या होते हैं, या स्टेट सेंटेंसेस क्या होते हैं, या स्टेट वर्ब क्या चीज होता है। तो स्टेट वर्ब जो है वो है शोज कंडीशन, ठीक है, वो सिर्फ आपकी हालत, किसी भी चीज, किसी भी काम की हालत बताता है, एक्शन नहीं बताता, ठीक है।
वो आपका उनमें भी जो भी स्टेट सेंटेंस आएंगे उनमें भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज और आर लगाकर इज आर एम लगाएंगे और आप उसे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज हो जाएगा। इज आर एम लगेगा, उसमें वर्ब नहीं आएगा, आपका वर्ब जो है वो इज आर एम ई जो है वही आपका इस्तेमाल हो रहा है इसमें, और एक्शन वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। उसमें उसमें जैसे आपने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, शे इज आर डॉक्टर, आई एम ए गुड बॉय, स्टेटमेंट सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, यानी ये इनमें एक्शन नहीं है, ठीक है, स्टेट है, हालत है, किसी हालत को बयान कर रहे हैं ये कोई, जैसे शे इज अ डॉक्टर और ही इज आर टीचर, ही इज आर राइटर, और वी आर स्टूडेंट, दे आर अकाउंटेंट, और आई एम अ गुड बॉय, शे इज अ गुड गर्ल, राइट। तो ये सारे स्टेटमेंट सेंटेंसेस हैं, और बी इज आर एम कॉल्ड स्टेट वर्ब एंड कंडीशंस को जो जाहिर करते हैं, और प्रेजेंट स्टेट को जो चीज जो जाहिर करते हैं वो सारे के सारे वो कौन कौन से हैं, इज आर एम है, ठीक है। बी इज एम आर हो जाता है और ये स्टेट वर्ब कहलाते हैं, राइट। तो इसको आपने हमेशा याद रखना है। अब आपको मैं दोबारा से एक बार ये बता रही हूँ कि प्रेजेंट सिंपल आपने कहाँ कहाँ या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। अच्छा, प्रेजेंट डेफिनेट फीलिंग्स वगैरह की भी चले मैं आपको एग्जाम्पल्स बाद में बताऊंगी, पहले मैं एक बार सारी ये बता दूं ताकि आप बार बार लिख लें इसे अपने पास, भूले नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, उसमें चार टेंस आते हैं, ठीक। अभी मैं सिर्फ आपको पहला टेंस पढ़ाया, ये पहला टेंस ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें इतनी डेफिनेशन है। इस टेंस के बाद जो दूसरा टेंस आएगा ना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, उसकी डेफिनेशन छोटी है, कम है, वो भी मैं इस तरह रूल से आपको बताऊंगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ यूज करना है आपने। फिर प्रेजेंट परफेक्ट आपको कहाँ यूज करना है वो भी आप कभी नहीं भूलेंगे जब मैं आपको उसको डेफिनेशन बताऊंगी, और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहाँ यूज करना है वो अभी आप कभी नहीं भूलेंगे। ये चार टेंस यूज हो गए, तो ये चार ही टेंस इसी तरह सेम पास्ट में इस्तेमाल होंगे, सेम फ्यूचर में इस्तेमाल होंगे, थोड़ा सा फर्क आएगा आपका, वो मैं बस आपको डिफरेंस बता दूंगी। आपने ये चार टेंस समझ लेने हैं, इनकी डेफिनेशंस, इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट टेंस की जो डेफिनेशंस है ये आप समझ लीजिए, बहुत ही आपकी इंग्लिश बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा, बहुत सारे सेंटेंसेस आप इजीली बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इनको पॉइंट्स क्या अपने पास नोट कीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई वी दे ही शी इट, ठीक है, कुछ भी आप इसमें लिख दीजिए, नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन, प्लुरल नाउन, एक से ज्यादा नाउन, कोई भी नाम, चाहे वो जमीन हो, सूरज हो, चांद हो, इंसान का नाम हो, कोई भी नाम आपका जो आ रहा है, जो भी उन सबके साथ वो सारे सिंगुलर नाउन, वो सारे आपने इसके, ये सब सब्जेक्ट आपके हो गए। इसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, कोई फॉर्म दूसरी यूज नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि आगे जो भी बात आप बढ़िया अग्नि आगे करना चाह रहे हैं वो आप आगे अपनी बात आगे कह सकते हैं, जो भी जुमला चाहें, लेकिन ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, इन दो से आपका सेंटेंस बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप आपकी मर्जी पर मुनसर है, जो भी काम कर बढ़ाना है आपने आगे वो बता सकते हैं। अब ये यूज कहाँ होना है मैं दोबारा ये डेफिनेशन सब बता रही हूँ, लिखते जाइए अपने पास। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, हमें यूज करना है रिपीटेड एक्शन फॉर रिपीटेड एक्शन, ठीक है, रिपीट एक्शन, डेली रूटीन, प्रेजेंट फीलिंग, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, परमानेंट सिचुएशन, स्टेटमेंट सेंटेंसेस, और यूनिवर्सल ट्रुथ, लॉजिकल ट्रुथ, जो भी आ जाते हैं लॉजिकल, साइंटिफिक सिचुएशंस, लॉजिकल ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ, इन सब में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। और अगर आपको डेफिनेशंस लिखनी है तो डेफिनेशंस लिखने के लिए भी आप जरूर डेफिनेशन लिख लीजिए अपने पास, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है, आपको हमेशा याद रहेगा। वी यूज प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट हैबिचुअल एक्शन रूटीन वर्क, यानी आपका हैबिचुअल कोई भी एक्शन है या रूटीन वर्क है उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक। वी यूज, मैं एक बार अब इंग्लिश में आपको सुना देती हूँ ताकि अगर आप लिखना चाहें तो इसे बार बार सुनकर मेरे पास नोट करके लिख सकते हैं। तो द फार्मूला द प्रेजेंट इंडेफिनिट, द फार्मूला ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, वी यूज प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट
हैबिचुअल एक्शन और रूटीन वर्क। हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, जो आपकी आदत है आप बार बार करते हैं, उसके लिए भी आप प्रेजेंट डेफिनेट यूज करेंगे, और हैबिचुअल एक्शन और रूटीन वर्क जो भी आपका। तो वी यूज प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट हैबिचुअल एक्शन एंड रूटीन वर्क। पॉइंट वन, वी यूज रिपीटेड एक्शन, वी यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इन रिपीटेड एक्शन। इट मीन्स एनी एक्शन विच टेकन प्लेस अगेन एंड अगेन। रिपीटेड एक्शन इट मीन्स एनी एक्शन विच टेकन प्लेस अगेन एंड अगेन, वेदर इट्स हैपन इन प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर और डेली मंथली वीकली और ईयरली। राइट, दिस इज द डेफिनेशन। थर्ड आ गया, पहला था आपका रूटीन वर्क और हैबिचुअल एक्शन, दूसरा आपका रिपीटेड एक्शन, तीसरी डेफिनेशन लिखिए। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस वी यूज इन प्रेजेंट फीलिंग्स, थिंकिंग, थॉट्स, इमोशंस और एंड डिजायर्स, हेट, लव, लाइक, डिसलाइकिंग वगैरह। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस वी यूज इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मीन वी यूज इन टू गिव समवन्स ऑर्डर। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, वी यूज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इन टू गिव समवन्स ऑर्डर। समवन ऑर्डर, किसी को अपने ऑर्डर देना है तो उसका आप अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप लिखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस। वी यूज इम्पेरेटिव टू गिव अ ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, कमांड, रिक्वेस्ट और टू प्रोहिबिटेड सम वर्क, किसी काम से रोकने के लिए भी उसे हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद अच्छा, वी डोंट यूज सब्जेक्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम सब्जेक्ट यूज नहीं करते, नॉर्मली यूज नहीं करते, कभी कभी लगा भी लेते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है इसका, वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इन परमानेंट सिचुएशन। कोई भी काम की आपकी परमानेंट सिचुएशन है तो आप उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करेंगे। परमानेंट सिचुएशन क्या होती है, कहीं आपका रहना, कहीं आपका जॉब करना, कहीं आपका स्टडी के लिए जाना, आप कॉलेज जाते हैं। आई गो टू माय कॉलेज, या आई गो टू गुलशन कॉलेज। ठीक है, मैं गुलशन कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज का नाम है। आई गो अपवा कॉलेज, या आई वर्क एट KDA, आई वर्क इन KMC, आई वर्क इन गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। आई लिव इन कराची, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन पाकिस्तान, आई लिव इन कनाडा। ठीक है, जो भी चाहे करना चाहे। आई डू अ स्टडी, या आई स्टडी इन क्लास 10th। ठीक, तो ये सारी आपकी परमानेंट सिचुएशन है, यानी आपकी तब्दील नहीं होने वाली चीज़ें। आप जहाँ रहते हैं, जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ काम करते हैं, वो सारी सिचुएशन। तो परमानेंट सिचुएशन में भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करना है। तो परमानेंट सिचुएशन एज लाइक जॉब, परमानेंट एड्रेस, स्टडी, समथिंग विच स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। परमानेंट सिचुएशन क्या है, ऐसी सिचुएशन, समथिंग विच स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। कोई भी काम जो आपका बहुत देर तक के लिए बरकरार रहेगा, आप कोई उम्मीद नहीं है कि अभी आप यहाँ से जाएंगे या तब्दील होंगे या कहीं और जाएंगे, तो आपने उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करना है परमानेंट सिचुएशन के लिए। फिर इसके बाद आपने यूज करना है यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक, लॉजिकल एंड सिचुएशन। इंडेफिनेट टेंस वी ऑल्सो यूज इन यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ हो एंड लॉजिकल सिचुएशंस और साइंटिफिक एंड लॉजिकल सिचुएशंस में भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करना है। और तो ये आपने देखा कि मैंने आपको ये सारे के सारे बताए। और इसके बाद एक और पॉइंट रह गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस वी ऑल्सो यूज इन स्टेट सेंटेंसेज, या स्टेट सेंटेंसेज में भी हमारा यूज होता है। एक्शन स्टेट वर्ब में भी यूज होता है, यानी हम वो एक्शन वर्ब तो एक्शन का नाम है ना, तो वर्ब दो तरह के होते हैं। वर्ब एक स्टेट वर्ब होता है और एक सिर्फ एक एक्शन वर्ब होता है। तो स्टेट वर्ब जो होता है उसमें हम इज, आर, एम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसमें बकायदा कोई वर्ब नहीं लगता। जैसे आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय, एम जो है इसके अंदर स्टेट वर्ब है। शी इज अ डॉक्टर, इसमें देख लें कोई वर्ब नहीं आ रहा, तो इज जो है इसमें स्टेट वर्ब है। वी आर स्टूडेंट, आर इसमें स्टेट वर्ब है। तो हमने स्टेट वर्ब में भी जो इज, आर, एम आएगा, उन सब में आपने वो सारे के सारे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो आज मैंने आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन बता दी। एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं
और अगर एग्जांपल्स पर मैं अगर अगर कोई अपना प्रोग्राम करूँगी तो बड़ा लंबा प्रोग्राम जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ एग्जांपल्स पे कर लूँगी प्रोग्राम। अच्छा एक चीज़ और भी इसको ख़त्म करने के लिए मैं आपको बता ही देती हूँ, और जब आप इसके सेंटेंस इनका प्रेजेंट सिंपल यानी इनको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसको जब आप क्वेश्चन बनाएंगे या आप इनको नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए आप डू और डज यूज़ करते हैं। वी यूज डू एंड डज इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जब आपने सेंटेंस को सवालिया बनाना है या आपने इनकार करना है इनकारिया बनाना है तो आपने डू और डज इनके लिए इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। डिड नहीं होता, डिड पास्ट में चला जाता है। इसमें आपने जब सवालिया बनाएंगे या नेगेटिव करेंगे तो आपने नहीं इनकार करना है तो आपने डू और डज इस्तेमाल करना है। डज नॉट हो जाएगा, डू नॉट हो जाएगा। ठीक है, डू नॉट उसी तरह से आई वी दे वी के साथ डू नॉट हो जाता है और डज जो है वो ही शी इट के साथ डज हो जाता है। ठीक है, तो आपने इस तरह से इनको डू और डज के साथ आपने इनके प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको डू और डज इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी यूज विद थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होती है यानी डज उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। डज वी यूज विद थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट एंड एनी सिंगुलर नाउन। और इन नेगेटिव में हमने डज नॉट कर देते हैं और वर्ब के साथ फिर हम एस हटा देते हैं। ही शी और नेम के साथ डज लगाते हैं लेकिन जब फिर वर्ब जो आगे इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस वर्ब में फिर एस नहीं लगता। अभी तो हम एस लगा रहे हैं ना, ही शी इट के साथ वर्ब के साथ एस लग जाता है, लेकिन जब हम इसको हम नेगेटिव कर रहे होते हैं या क्वेश्चन बना रहे तो फिर हमारा एस जो है वो हट जाता है, डज लग जाता है। ठीक है, वर्ब के साथ फिर एस नहीं लगाते। ठीक, तो और इसी तरह से डू वी यूज विद फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन। वी यूज विद फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन आई वी दे यू के साथ जो है मैंने डू लगाएंगे क्वेश्चन बनाने के लिए और इनकार करने के लिए। डू नॉट हो जाएगा और डू आई हो जाएगा, डू आई हो जाएगा आपका क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, और डोंट हो जाएगा, डू नॉट या डोंट कहें एक ही बात है, डजंट कहें या डज नॉट कहें एक ही बात है। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्वेश्चन जब बना, जैसे मैं कहती हूँ कि अच्छा, और अगर जो है वो ही प्लेज कहा आपने, ही प्लेज तो ही डज नॉट प्ले। अब आपने कहा कि वो खेलता है वो नहीं खेलता, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपने क्या करना, ही प्लेज खेलता है। ठीक है, तो आप एस लग रहा था देख लिया वापस सब्जेक्ट के साथ, तो आपने कर देना है। जब आप नहीं इनकार करना है तो आप कहेंगे ही डज नॉट प्ले। अब एस हट जाएगा और डज लग जाएगा, ही डज नॉट प्ले। और डज ही प्ले क्वेश्चन करना है तो डज ही प्ले हो जाएगा, राइट, वो डज शुरू में आ जाएगा आपका। तो ही प्लेज, ही डज नॉट प्लेज, ही डज नॉट प्ले हो जाएगा, प्लेज नहीं होगा फिर। ठीक है, ही डज नॉट प्ले। और फिर इसी तरह आप लगा दे सलमा प्लेज, सलमा डज नॉट प्ले। और फिर सलमा डज नॉट प्ले किया था तो आपने कर देंगे आप डज सलमा प्ले। तो नाम लगाएं तब भी आप ये करेंगे। तो आपने डज नॉट और कहाँ इस्तेमाल करना है, ही शी और सिंगुलर नाउन के साथ नेगेटिव करने में, और इस तरह क्वेश्चन बनाने में डज आपका पहले आ जाएगा, राइट। इसी तरह से आपने अगर डू यूज करना है तो डू आप इस तरह यूज करेंगे, डू यूज होगा आई वी यू के साथ। आई ईट सिंपल सेंटेंस है। अगर आप कहेंगे कि मैंने तुम्हारा हाथ आ रहा है, और अगर आप कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं अच्छा, तो अगर आप कहते हैं आई ईट तो ये सिंपल सेंटेंस है, इंडेफिनिट टेंस है। आई ईट तो आप कहेंगे आई डोंट ईट, आई डू नॉट ईट। डू नॉट ईट को हमने डोंट कर दिया, शॉर्ट किया है, इसका मैं अलग एक प्रोग्राम करूंगी। तो आई ईट आई डू नॉट ईट, तो आपने देखा कि जब आई इस्तेमाल किया, वी किया, यू किया, दे किया तो डू आ जाएगा, डज नहीं करेंगे। डज वहां किया था, अब हम आई वी यू दे के साथ डू इस्तेमाल करके सवालिया भी बना लेंगे और नेगेटिव भी कर देंगे। आई ईट आई डू नॉट ईट और डू आई ईट, ठीक है, क्वेश्चन बन गया तो डू बाहर लेकर आ गए आप। वेयर डज ही लिव, हाउ मच डू दीज बुक्स कॉस्ट, वेयर डू यू इंटेंड टू गो, ठीक है,
और व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हाई डू यू वांट दिस। अच्छा, अब इसमें जो ये सेंटेंसेस है ये हमने डब्ल्यू एच क्वेश्चंस के साथ भी इस तरह डू और डज हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक अलग चीज है, मैं बाद में आपको समझाऊंगी। ठीक है, अभी आपके लिए आज जो मैंने आपको आसान सी चीजें जो बताई हैं वो सारी मेरा ख्याल है अब आपको समझ में आ गई। असल बुनियादी बात ये थी कि आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की जो रूल्स हैं किन किन के साथ कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, बातचीत करने में आपने कहाँ कहाँ प्रेजेंट डेफिनेट के साथ डेली रूटीन में आपने यूज कर लेना है, राइट, हैबिचुअल एक्शन में आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज कर लेना है, यूनिवर्सल ट्रुथ में कर लेना है, लॉजिकल में कर लेना है, साइंटिफिक में कर लेना है आपने, और आपने जो है रूटीन वर्क में कर लेना है, रिपीटेड एक्शन में आपने कर लेना है, प्रेजेंट सिचुएशंस में आपने कर लेना है, प्रेजेंट इमोशंस में कर लेना है, थॉट्स में करना है, थिंकिंग में करना है, और स्टेटमेंट सेंटेंसेस में आपने इस्तेमाल करना है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज करना है, परमानेंट सिचुएशनल प्रेजेंट आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज करना है। तो आज आपको मैंने ये रूल रेगुलेशंस बताए हैं, ये रूल लिख लीजिए अपने पास, और मुझसे पूछना हो तो कमेंट्स में दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहां पर बता दूंगी। और मेरा ख्याल है कि ये आप अगर आप लिख लेते हैं और आपको बात समझ में आ गई है, और उसका रूल फार्मूला सिर्फ इतना सा है कि सब्जेक्ट लगाएं, कोई भी सब्जेक्ट आपका लगा हुआ होगा, आपने आगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, सवाल और जवाब सवाल करना है और न उसको इनकार करना है तो डू और डज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर आप सिंगुलर नाउन और ही शी इट यूज करते हैं तो उसके साथ वर्ब के साथ एस लग जाता है, और अगर आप जो आई वी दे इस्तेमाल करते हैं और प्लुरल नाउन आ जाते हैं तो उनके साथ आपने एस नहीं, वर्ब के साथ एस नहीं लगाते। ठीक है, तो बस ये इतना सा था, लंबा है ये, जरा ये इसकी डेफिनेशंस लंबी थी, और ये बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन में हमारा ये टेंस इस्तेमाल होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। अगर आपने इसको समझ लिया है और बार बार इसकी प्रैक्टिस कर ली है तो आप यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट, मुश्किल नहीं होगी स्पोकन इंग्लिश आपके लिए। तो ये मैंने आज किया है आपके साथ, इंशाल्लाह इंपेरेटिव सेंटेंस का मैं प्रोग्राम एक अलग कर लूंगी, और डू और डज के हवाले से भी मैं प्रोग्राम ऐसा करूंगी कि उसके सेंटेंसेस अलग बनाकर आपको एग्जांपल्स दे दूंगी, और अलग से कुछ करके इसको दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं आपको, ताकि आप लोगों को इस टेंस की अगर प्रैक्टिस आपको हो गई तो आप समझ लें कि आपने 30% इंग्लिश सीख ली, लर्न कर ली, आप बोलना शुरू कर देंगे आप। ठीक है, 30-40%, बाकी कोई मुश्किल नहीं, आगे किसी टेंस में इतनी ज्यादा डेफिनेशन है ही नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी के साथ आपको बाकी टेंस सारे समझ में आ जाएंगे। तो अच्छा, बस बस जी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बान, अभी तक मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया, ओ माई गॉड, और अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मेरी नमाज नमाज टाइम भी निकल गया, लेकिन बहरहाल इल्म हासिल करना और इल्म को आगे बढ़ाना भी इबादत है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करने वाला है, वो मुझे माफ़ करेगा। और क्या कहना चाह रही थी, हाँ जी, ओशियन न्यूज़ वालों की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये ओशियन न्यूज़ के चैनल पे मैंने ये प्रोग्राम पेश किया है, शेर अवान साहब की शुक्रगुजार, उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल टू शेर अवान, उन्होंने ये फ्लायर बनाया, ना वो फ्लायर बनाते, ना वो मेरे इस मौजू पर जो मैं चाहती थी कि ये प्रोग्राम करूँ तो मेरा साथ देते तो शायद मेरी हिम्मत ना होती। और मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए या एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए, घंटों बल्कि दिनों लग जाते हैं एक टॉपिक के लिए भी। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप मेरे साथ, यहाँ ताहिरा सुल्तान मुदस्सिर इज वॉचिंग मी सिंस शी हैज़ बीन वॉचिंग मी सिंस लॉन्ग, या शी हैज़ बीन वॉचिंग, हाँ आई थिंक बहुत देर से ताहिरा सुल्तान मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा, इंशाल्लाह जिंदगी रही, प्रैक्टिस कीजिएगा, आज आप मेरे साथ हैं, एक शख्स भी अगर थोड़ा सा कुछ हासिल करता है इसमें से, आपने 10% भी आपने इसमें से गेन किया है तो आपके लिए ये मैं समझती हूँ ये आपकी कामयाबी है, इंशाल्लाह ये फर्स्ट आपका स्टेप है, इंशाल्लाह अगर आप यकसुई के साथ आप करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, बोलेंगे आप, ज़रूर बोलेंगे। ठीक है, बस अपने आप से वादा कीजिए कि आपने बोलना है और बोलना है, चाहे घर में कोई लोग कितना ही आपका मजाक क्यों ना उड़ाएं, गलत बोलें आप उनसे कहें कम अज़ कम मैं बोल तो रही हूँ, आप लोग तो बोल नहीं रहे ना, बोल रही हूँ, गलत ही बोलना सही, लेकिन बोल रही हूँ, एक लैंग्वेज सीख रही हूँ, एक लैंग्वेज बोलना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे, रुस्वा से महफूज रखे, ज़ैब से भी कोई इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।